मॉर्निंग गाइज, सॉरी गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू दी ब्लॉग। गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू दी ब्लॉग। जो आज का ब्लॉग स्टार्ट होने वाला है, एक्चुअली भाई के साथ में आया था। आप शंभू से ऊपर रोड जाता है क्या है, स्वामी विवेकानंद चौक। तो एक्चुअली आज मैं यहाँ आया था भाई के साथ, कि भाई बोल रहा था कि काफ़ी टाइम हो गया है, कुछ रील्स वगैरह शूट कर लेते हैं। तो भाई भी पीछे है, बट यहाँ पे एक दिक्कत हमें क्या फेस करनी पड़ रही है, यार यहाँ पे सिग्नल बहुत कम आ रहा है। जियो का टावर है यहाँ पे, मोस्टली J&K में जियो ही यूज़ होता है। तो यहाँ पे सिग्नल खींच के एक डंडी आ रही है, जो एक सिग्नल आ रहा है, एक टावर आ रहा है, टावर बोलते हैं जो सिग्नल बोलते हैं, कुछ भी है, तो वो अभी एक ही आ रहा है। तो मैंने इसको कहा कि फ़ोटो शूट कर लेते हैं, तो अभी हम फ़ोटो शूट करेंगे अपनी बाइक जैसे पीछे लगी हुई है, तो देखते हैं। फिलहाल ये एरिया है, आपको मैं एरिया पीछे से दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छा एरिया, मतलब वाइब काफ़ी अच्छी है यहाँ से। आपको मैं एरिया दिखा देता हूँ पीछे से। बस ये अपना एरिया, स्वामी विवेकानंद चौक। लोग शाम का टाइम है, लोग जॉगिंग कर रहे हैं, और ये एरिया यहाँ पे बैठने बैठने वाला एरिया है। चलते हैं यहाँ पे, दिखाता हूँ आपको। तो ये भाई अपना एरिया है, गाय वगैरह भी है यहाँ पे, वो बतख भी है भाई, वहाँ पे बतख भी है इस साइड पे। तो काफ़ी अच्छा एरिया है ये। आगे अपना प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्ट नेचर, यहाँ पे काफ़ी बतख भी हैं, आपको दिख रहा होगा। अरे यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो गाइस ये देखते पीछे बतख भी हैं अपने। चला रहे क्यों है, मुझे मिस कर रहे हैं शायद पे। चलो बाय बाय गाइस, बाय बाय, चलता हूँ मैं यहाँ से। समझ नहीं आया, मतलब मैं उनके सामने जा रहा हूँ और सबके सब मेरे पास आ गए। इतना प्यार भाई से, मतलब बतखों को भी प्यार है यार भाई से। चलो बाय बाय। अरे भाई मजा आ गया यार, तो वही बोल रहा हूँ। कुछ यहाँ पे लोग मोस्टली यहाँ पे ड्राइविंग वगैरह सीखने के लिए भी यहीं पे लोग आ रहे हैं। कोई ना, दिखाता हूँ आपको, लड़की चला रही है। अभी तक मुझे ड्राइविंग नहीं आती, लड़की चलाती है ना, बड़ा दुख लगता है मुझे। सीखूंगा मैं भी, मतलब ऑलमोस्ट मुझे आती है चलाने, बट सिटी में नहीं चलाई है मैंने, मतलब गियर वगैरह डाल लेता हूँ मैं, पहला दूसरा तीसरा गियर। तो भी ये झूठ बोल रहा है, इसकी बात पर विश्वास मत करना। डोंट ट्रस्ट भी ठीक है, सही बोल रहे हो, ट्रस्ट नहीं करो मुझे। देखने में बड़े स्वामी टाइप के हैं, बट अंदर से बड़े हरामी टाइप के हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर बात झूठ बोलता है, लेकिन ये बात इसने झूठ बोली है कि इसको ड्राइविंग आती है। तो मैंने भी बोला कि मैं बाहर ही चलाता हूँ, वैसे पहला दूसरे गियर में चला लेता हूँ मैं। बैठ जाता हूँ मैं इस पे। चलो भाई लोग देखते हैं, कोई अच्छा सा स्पॉट मिलता है जहाँ पे थोड़ा नेटवर्क भी आ जाए। एरिया वैसे ये भी है काफ़ी अच्छा था, बट वो ये फिर आपको पता है क्या होता है। शाम के बज चुके हैं, अराउंड कोई 6-7 बज चुके हैं, और अभी हम सोचे कि घर जा रहे हैं। हमने फ़ोटो शूट कराए, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में कि कौन कौन सा फ़ोटो लिया और कौन कौन सी वीडियो बनाई भाई ने, वो भी मैं इसमें डाल दूंगा। खाने का मन भी हो रहा है, कुछ भूख भी लगी है, तो भाई के साथ सोचा कि चलते हैं, कुछ खा भी लेते हैं। तो अभी गाइस चलते हैं, तो आपको दिखाता हूँ अभी हम क्या क्या खाएंगे। इसने भाई को तो दिखाया ही नहीं। 10 साल बढ़िया आता देखिए। तो गाइस अभी जा रहे हैं, अभी हम देखते हैं। बज चुके हैं रात के अराउंड, रात भी नहीं हुई है कुछ ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ, बट अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो अंधेरा काफ़ी जल्दी हो रहा है। तो अभी बज चुके हैं 7 बज चुके हैं, देखो पीछे कितना अंधेरा हो चुका है। तो अभी हम जा रहे हैं, मैं और भाई जा रहे हैं, बाइक हमने चेंज कर ली है, दूसरी बाइक ली अभी हमने, एसयूवी ली है। तो अभी हम जा रहे हैं कुछ पंचतीर्थी जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। मैं आपको रोड दिखाता हूँ यहाँ का कैसा है। ये अपनी नाइट लाइफ जम्मू की। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से पंचतीर्थी जाएंगे, जो अराउंड है यहाँ से 3 किलोमीटर होगा अराउंड, हाँ 3 किलोमीटर होगा यहाँ से। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, इसके बाद हम वहाँ से कुछ ऑर्डर करेंगे। भाई बोल रहा था चिली पटैटो,
9 आ चुके हैं, 5 देर में पहुँच चुके हैं और भाई ने खाने के लिए कुछ मंगाया था, नूडल्स मंगाए थे, तो मैं दिखा देता हूँ। खाना खाया यार, मज़ा आ गया खाना, काफ़ी टेस्टी थे, काफ़ी टेस्टी थे, मज़ा आ गया। तो दिखाता हूँ मैं, देखने में कैसे हैं अपने नूडल्स, काफ़ी चीप है, 30 रुपीज़ में आपको प्लेट मिल जाएगी। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जब खाने में काफ़ी टेस्टी, मतलब खाओगे तो अरे भी टेस्ट है। और मैं ड्रिंक भी है अपनी, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक जो भी है, मेरा जो ऑर्डर किया हुआ आ चुका हुआ है, आपको दिखाता हूँ मैं। राजे चिली पटेटो देख रहे हैं, काफ़ी यम्मी लग रहे हैं, मतलब कि मैंने खाया भी, काफ़ी टेस्टी है। भाई का ऑलमोस्ट फिनिश हो गया हुआ, मेरा भी है, तो अभी खाते हैं। शाम के बज चुके हैं, अराउंड हो रहे हैं अभी 8 बज रहे हैं। तो एक्चुअली भाई को कुछ ऑफिस में काम आ गया, तो अभी हम आ चुके हैं भाऊ प्लाजा में। भाई तो अभी ऑफिस के अंदर है और मैं बाहर आ चुका हूँ। मैं सोचा कि मैं थोड़ा घूम लेता हूँ यहाँ पे। बाइक अपनी वो लगी है, अपनी एक्सीड पीछे लगी है, पर मैं अभी घूम लेता हूँ। चलो आप, थोड़ा दिखाता हूँ आपको ये एरिया है कैसे भाऊ प्लाजा। चलो तो गाइस, मैं आ चुका हूँ अभी भाऊ प्लाजा में हूँ। ये पीछे काफ़ी शॉप्स हैं मेरे, तो थोड़ा घूम सूम लेते हैं अभी। अपना वाला जो काम करना है वो भी करना है अभी, हमने वो भी करेगा अभी हम, तो उसके बाद थोड़ा देखते हैं। मैं यहाँ पे अभी रात को मैं कभी आया नहीं हूँ, तो अभी इसमें मेरा पहला दिन है, तो कोई बात नहीं, देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे मेरा अड्डा हुआ करता था, मैं दोस्तों के साथ आता था जब मैं छोटा था, अराउंड कोई था मैं 12th में पढ़ता था, तो मैं यहाँ पे आया करता था। एक्चुअली हुआ यूँ कि मैं भाई के साथ बाहर घूम ही रहा था और यहाँ मुझे अपना दोस्त मिल चुका है, सुमित कुमार। ये मेरा बचपन का दोस्त है, आफ्टर आई थिंक आज हमारी दोस्ती को हो चुके हैं 7 से 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 7 साल, मोर देन एट कितने में है? 10 साल हो गए जी। हमारी दोस्ती को 10 साल हो चुके कम्प्लीट। कॉन्सिडेंस देखो, एक्चुअली मैं यहाँ घूम रहा था और भाई मुझे आगे से चलता हुआ मिल गया, मास्क डाल के, मतलब भाई तू यहाँ कर रहा है, बोलता हूँ घूमने आया हूँ। गाइस देखो, मैं आज अराउंड कोई 4-5 महीने के बाद इस एरिया में आया हूँ, रात वाली टाइम, ऐसे दोपहर को आते रहते हैं हम, रात के टाइम में आ रहा हूँ और बंदा मुझे रात को यहाँ घूमता हुआ मिल गया। और ये भी डेली नहीं आता, ये भी सोचो कोई 5-6 महीने में रात को अभी निकला, और ये देखो हम दोनों रात को एक ही टाइम पर निकले और यहाँ पे ये मुझे मिल गया। अब यहाँ पे घूम रहे, थोड़ा इंजॉय किया हमने, खाया पिया थोड़ा। एरिया देखो यार कितना सही है, लाइट्स देखो पीछे, मतलब मज़ा आ गया यार। आपको थोड़ा एरिया मैं दिखा लेता हूँ पीछे से, मैं यहाँ बैठा हुआ है और एरिया दिखाता हूँ यार। लाइटिंग देखो यार कितनी सही तरीके से की हुई है ना यहाँ पे। मन कर रहा था कि यहाँ पे रील वगैरह बनाए, बट रील वगैरह भी नहीं बनाएंगे। यहाँ पे कुछ लोग थे, हमें लड़कियाँ वगैरह देखी जो रील बना रही थी, काफ़ी ब्यूटीफुल लड़की थी वो। एक एक्चुअली जम्मू का लड़का है, जब भी कहीं बाहर वगैरह जाता तो डिफाइन करता लड़की यार, इतनी सुंदर सुंदर लड़की थी, तो ऐसे बताता है वो। उसका चैनल मैं देखता हूँ, AK राजपूत उसका नाम, AK राजपूत J&K। तो भाई यार ये भाऊ प्लाजा अपना J&K में, भाऊ प्लाजा विक्रम चौक को क्रॉस करके आपको मिल जाएगा। आप वहाँ के नाइट में एंजॉय कर सकते हो, एरिया काफ़ी बढ़िया है। बैठते हैं दोस्तों के साथ, बैठते हैं, अभी खाया पिया, अभी निकलेंगे थोड़ी देर के बाद, भाई भी काम कर रहा है अभी, तो निकलते हैं।